यहाँ दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच घमासान मुकाबला IPL 2021 मैच नंबर 7 खेला गया। दोस्तों बहुत ज़्यादा दिलचस्प था ये मुकाबला। आप सभी को बता दें इस मुकाबले की फर्स्ट इनिंग की हाईलाइट क्या कुछ हमने देखा अपनी आंखों से, क्योंकि आंखों पर विश्वास नहीं किस प्रकार से जब दो सबसे युवा कप्तान IPL के आपस में टकराए तो एक चिंगारी निकली। उस चिंगारी में दोस्तों ऋषभ पंत पूरी तरीके से आग का गोला साबित हुए, लेकिन आग की ज्वाला साबित हुए वहाँ पर संजू सैमसन। जी हाँ दोस्तों, हमने देखा किस प्रकार से वानखेड़े स्टेडियम के इस मैदान पर बहुत अच्छी पारी खेली ऋषभ पंत ने, लेकिन बहुत अच्छी कप्तानी करी संजू सैमसन ने, लेकिन फिर भी दिल्ली की पलटन को रोक पाना बहुत मुश्किल है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया दोस्तों 7वां मुकाबला, जिसमें फर्स्ट इनिंग में दिल्ली कैपिटल्स ने 147 8 विकेट के नुकसान पर बनाए, लेकिन किस जद्दोजहद के साथ आपको जब बताएंगे आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यकीन कर पाना भी मुश्किल है कि 147 बना कैसे लिया इस टीम ने। आपको बता दें कि शुरुआत में कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ये फैसला दोस्तों खराब भी हो सकता है, क्योंकि अगर पिछले 3 मुकाबले देखे जाए जहां मुंबई ने कोलकाता नाइट राइडर को हराया था डिफेंड करते हुए, तो हैदराबाद ने भी दोस्तों किस प्रकार से हार का सामना करना पड़ा था जब बेंगलोर पहली बल्लेबाजी करके जा चुकी थी। उसके बाद भी दोस्तों हमने ये देखा था कि पहले ही मुकाबले में जो पंजाब वर्सेस राजस्थान का था, राजस्थान का पहला मुकाबला, उसमें भी राजस्थान की टीम चेस करते वक्त हार का सामना कर रही थी, लेकिन आज के मुकाबले में भी हम देख रहे हैं दोस्तों किस प्रकार से शुरुआत में दिल्ली कैपिटल्स पर पूरा दबदबा कायम रखा राजस्थान रॉयल्स ने। आप सभी को बता दें कि इससे पहले इतिहास में इन दोनों ही टीमों के बीच 22 मुकाबले खेले गए। इन 22 मुकाबले में दोनों ही टीम 11-11 मैचेस जीतकर एक दूसरे की बराबरी पर है, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों आज का महामुकाबला कुछ यूं है कि कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आपको बता दें कि फर्स्ट इनिंग में किसने सबसे दमदार पारी दिखाई, तो वो थे कप्तान ऋषभ पंत। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से ऋषभ पंत का बल्ला चला। जितने भी लोग प्रिडिक्शन कर रहे थे कि ऋषभ पंत आज मारेगा, तो ऋषभ पंत ने आज जरूर मारा। एक कप्तानी पारी खेली, क्योंकि शुरुआत में बल्लेबाजी कर रही थी दिल्ली कैपिटल्स, तो चांस पूरा ये था कि दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी में ऋषभ पंत को भी मौका जरूर मिलेगा। और आज अग्नि परीक्षा थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की, क्योंकि हमने देखा कि श्रेयस अय्यर अपनी इंजरी की वजह से पूरे सीजन को मिस करेंगे, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स का मिडिल ऑर्डर बहुत कमजोर नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, स्टीव स्मिथ उस मिडिल ऑर्डर को मजबूत कर सकते थे, लेकिन स्टीव स्मिथ की अभी जगह कहीं बन नहीं पा रही है, क्योंकि 4 विदेशी खिलाड़ी बहुत सही हैं अभी टीम में, तो 4 विदेशी खिलाड़ी के होने की वजह से स्टीव स्मिथ की जगह नहीं बन रही, जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर बहुत खराब दिख रहा है। लेकिन फिर भी अजिंक्य रहाणे मिडिल ऑर्डर में दिख रहे हैं, लेकिन अजिंक्य रहाणे भी कुछ खासा कमाल नहीं कर पाए दोस्तों आज के मुकाबले में। हमने देखा कि पृथ्वी शो और शिखर धवन बल्लेबाजी करने के लिए ओपनिंग, लेकिन इस ओपनिंग को ध्वस्त कर दिया दोस्तों अकेले जयदेव उनाडकट ने। जी हाँ दोस्तों, जयदेव उनाडकट अपने शुरुआती 3 ओवर लाए और उस 3 ओवर के अंदर 3 विकेट झटक लिए। पहला विकेट पृथ्वी शो के रूप में, जो 5 गेंदों पर 2 ही रन बनाए थे। पृथ्वी शो उनकी विकेट ले ली, कैच पकड़ी थी शानदार डेविड मिलर ने, ऐसे मिला पहला विकेट पृथ्वी शो का, जो आया था पहले ओवर की 6ठी गेंद पर, यानी कि दूसरे ओवर तक 5 रन बन पाए थे दिल्ली कैपिटल्स के लिए, तब पहला विकेट खो दिया था यहाँ पर DC ने। उसके बाद दोस्तों शिखर धवन आए बल्लेबाजी करने के लिए। शिखर धवन दोस्तों बल्लेबाजी कर ही रहे थे, 11 गेंद का सामना करा ही था कि जयदेव उनाडकट को दूसरा ओवर थमा दिया गया। जयदेव उनाडकट ने अच्छी गेंद डाली और पहली गेंद पर शिखर धवन का विकेट लेकर दे दिया। 11 गेंदों पर 9 रन बनाकर शिखर धवन पवेलियन वापस जा रहे थे एक चौके की मदद से। आज के महामुकाबले में दोस्तों हमने आंखों पर विश्वास ना कर पाने वाली एक चीज़ देखी कि आज फर्स्ट इनिंग के दौरान 147 रन तो बने, लेकिन इसमें एक भी छक्का नहीं शामिल था, यानी कि सिंगल सिक्स भी नहीं आया। अगर मैदान में दर्शक होते तो बहुत कोसते बल्लेबाजों को कि कम से कम 1-2 छक्के तो मारो, लेकिन एक भी छक्का नहीं आया। हमने देखा कि 20 चौके आए, लेकिन एक भी छक्का नहीं आया। उसके बाद दोस्तों शिखर धवन का विकेट जाने के बाद अजिंक्य रहाणे आए, जो एक समय पर श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी में कप्तानी के लिए दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन अजिंक्य रहाणे की क्या ऐसी कप्तानी दावेदारी पेश करेंगे। 8 गेंदों पर 8 ही रन बनाया था अजिंक्य रहाणे ने और इतना सिंपल सा कैच उठवा दिया। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पर। जयदेव उनाडकट अपना 3रा ओवर लेकर आए थे, उस 3रे ओवर में ही जयदेव उनाडकट के सामने अजिंक्य रहाणे ने कैच उठवा दी और कैच खुद उनाडकट ने ही पकड़ ली। उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि एक चौके की मदद से अजिंक्य रहाणे 8 गेंदों पर 8 ही रन बना पाने में सफल हुए और पवेलियन वापस जा रहे थे। फिर आए चौथे नंबर पे कप्तान ऋषभ पंत। दोस्तों इन्होंने जो पारी खेली वो यादगार पारी बन गई है। अगर आज का महामुकाबला किसी के पक्ष में जाए, लेकिन ऋषभ पंत की ये पारी यादगार रहेगी। पहले तो ये कप्तानी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनका साथ कोई दे नहीं रहा था, क्योंकि दोस्तों जब ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए तो मार्कस स्टोइनिस दूसरे छोर पर थे। मार्कस स्टोइनिस ने 5 गेंदों का सामना किया था, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान लेकर आए अपना ओवर और उस ओवर में मार्कस स्टोइनिस की विकेट ली। 6ठे ओवर की 5वीं गेंद पर गिर चुका था दिल्ली कैपिटल्स का 4था विकेट। जी हाँ दोस्तों, तब टीम का स्कोर
टोटल 37 रन पर ही था। 37 रन पर 4 विकेट खो दिए थे दिल्ली कैपिटल्स ने। कौन कहेगी दोस्तों कि दिल्ली कैपिटल्स की 4 विकेट 37 रन पर गिर गई, उसके बाद भी इन्होंने 147 बना दिए। लेकिन ये पॉसिबल हो पाया तो ऋषभ पंत और ललित यादव की वजह से। ललित यादव ने भले ही आज के मुकाबले में 24 गेंदों पर 20 रन मारे, लेकिन जब एकदम धारदार गेंदबाजी हो रही थी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, तब इस खिलाड़ी ने टिककर सामना किया था और कप्तान पंत का साथ दिया था, जिसकी वजह से दोस्तों ललित यादव 24 गेंदों पर 20 रन बनाने में सफल रहे। लेकिन दूसरे छोर से ऋषभ पंत ताबड़तोड़ पारी खेल रहे थे, तब 32 गेंदों में 51 रन की पारी ऋषभ पंत ने 9 चौके की मदद से खेली और एक ही ओवर में राहुल तेवतिया के 4 चौके जड़े थे दोस्तों। वो शानदार 4 चौके यादगार बन गए। ऋषभ पंत की इस पारी की बदौलत स्कोर गया था दोस्तों 88 रन तक। तब चौथे जो विकेट गिरी थी तब 37 रन पर थी टीम, लेकिन जब 88 रन बने तब 5 विकेट हो चुकी थी। यानी कि बीच में हमने देखा कि 50 रन के आसपास की पार्टनरशिप आई दोनों ही बल्लेबाजों से, जो शानदार पार्टनरशिप कह सकते हैं। 12वें ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत का 5वां विकेट गिरा था टीम के लिए। दिल्ली कैपिटल्स दोस्तों अपने आप को टिकने का मौका दे रही थी, लेकिन ललित यादव जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे 20 रन बनाकर क्रिस मॉरिस की गेंद पर वापस जा रहे थे। क्रिस मॉरिस ये वही खिलाड़ी है जो इस साल ऑक्सफर्ड में सबसे महंगा बिका। अच्छे समय पर विकेट लेने की जब चांसेस होते हैं तो क्रिस मॉरिस नहीं ले पाते, लेकिन हाँ जब विकेट लेने होते हैं तो क्रिस मॉरिस विकेट ले ही लेते हैं। फिर उसके बाद ऊपरी क्रम पर टॉम करन को भेजा गया रविचंद्रन अश्विन और क्रिस वोक्स से। टॉम करन ने अच्छी बल्लेबाजी की, 16 गेंदों पर 21 रन बनाए, जरूरत के रन थे टीम के लिए, 2 चौके लगाए, लेकिन बॉलर मुस्तफिजुर रहमान ने इनकी विकेट लेकर इनको चलता कर दिया और टॉम करन के रूप में दोस्तों 7वां विकेट गिरा। यहां पर 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर जब 128 पर था, क्रिस वोक्स और रविचंद्रन अश्विन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने एक चौका लगाया था। 4 गेंदों पर 7 रन बना के रविचंद्रन अश्विन पवेलियन वापस गए क्योंकि रन आउट हो गए थे मिलर और सैमसन के एक अच्छे कॉम्बिनेशन की वजह से। लेकिन क्रिस वोक्स ने 11 गेंदों पर 15 रन बनाया। ये वो खिलाड़ी है जो बहुत बेहतरीन पारी खेल रहा है इसमें ओंदिक नोरखिया की जगह। अगर ओंदिक नोरखिया मुख्य रूप से मौजूद होते तो वो गेंदबाजी का पक्ष संभालते, लेकिन क्रिस वोक्स भी बहुत अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं और बल्लेबाजी भी। 2 चौके लगाए जिसकी वजह से टीम का स्कोर थोड़ा आगे बढ़ा। कगिसो रवाडा भी आए थे, 4 गेंदों पर 9 ही रन बनाया, 1 चौका बनाया, 225 का इनका स्ट्राइक रेट रहा, जिसकी मदद से दोस्तों टीम का स्कोर 147 8 विकेट के नुकसान पर हो गया। आखिरी विकेट रविचंद्रन अश्विन का 19वें ओवर पर आया था जब टीम का स्कोर 136 था। तो दोस्तों ये खासियत रही दिल्ली कैपिटल्स की टीम की पारी की कि शुरुआत में कप्तान पंत ने पूरी बागडोर अपने हाथ में ली और ललित यादव ने उनका भरपूर साथ दिया। आपको बता दें दोस्तों इतिहास बदलने को है, क्योंकि इतिहास में ये लिखा हुआ है आईपीएल 2020 के कि दिल्ली कैपिटल्स ने जब बल्लेबाजी की थी शुरुआत में तो दिल्ली कैपिटल्स जीती थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शुरुआती बल्लेबाजी की कि शुरुआत में बल्लेबाजी करने जब आईपीएल 2020 में दोनों बार दिल्ली कैपिटल्स आई थी तो दोनों ही बार दिल्ली कैपिटल्स को जीत का श्रेय मिला था। लेकिन उसमें तब हमने एक चीज़ ये देखी थी कि सबसे ज़्यादा रन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मारे थे कप्तान श्रेयश अय्यर ने। जी हाँ दोस्तों, श्रेयश अय्यर भी बहुत अच्छी कप्तानी पारी खेलते थे। कप्तान बनने के बाद से उनके आंकड़ों में बहुत अंतर आया था, लेकिन जिसके बाद से ही कप्तान पंत अब बने हैं तब से हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। तब दोस्तों पिछले साल के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 184 8 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज भी हावी रहे थे राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों पर। 46 रन से वो मुकाबला जीत लिया था और ये मुकाबला अब कड़ा हो चुका है क्योंकि 147 बनाए हैं 8 विकेट के नुकसान पर। और बात करें अगर इसके और दूसरे मुकाबले की, यानी कि एक सीजन में दो टीमें आपस में दो दो मुकाबले खेलती हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स ने एक मुकाबले में 161 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के अंदर, लेकिन उसको भी आसानी से डिफेंड कर लिया था दिल्ली कैपिटल्स ने और 13 रन से जीत हासिल कर ली थी। लेकिन दोस्तों उसमें मुख्य भूमिका थी ओंदिक नोरखिया की, लेकिन आज ओंदिक नोरखिया मिस कर रहे हैं मुकाबले को क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। दूसरी तरफ टीम में कगिसो रवाडा शामिल है और टीम में बड़े बदलाव भी हैं दोस्तों। आपको बता दें टीम में बड़े बदलाव ये हैं कि बैन स्टोक नहीं है, तो बैन स्टोक की गैर मौजूदगी में डेविड मिलर खेल रहे हैं। दूसरी तरफ सुरेश गोपाल की जगह यहां पर एंट्री मिली थी जयदेव उनाडकट को, जिन्होंने आज के मुकाबले में 3 विकेट ली महज 4 ओवर में 15 रन देते हुए। मुस्तफिजुर रहमान ने 4 ओवर में 29 रन देते हुए 2 विकेट ली, तो क्रिस मॉरिस ने 3 ओवर में 27 रन देते हुए 1 विकेट लिया, यानी कि 16 करोड़ से प्लस की इस रकम वाले प्लेयर्स से 4 ओवर भी नहीं करवाए दोस्तों। साथ ही आपको और आंकड़े बता दें तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सबसे ज़्यादा रन जो राजस्थान रॉयल्स के बल्ले गेंदबाजों के खिलाफ मारता है उस खिलाड़ी का नाम ऋषभ पंत ने, जिसने फिर से कमाल करा। लेकिन अब यह मुकाबला हो गया है आमने सामने की टक्कर का, संजू सैमसन वर्सेज ऋषभ पंत। जो भी दोस्तों इस सीज़न बहुत अच्छी कप्तानी करेगा, हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 सालों में हमें इन सब स्टेट टीम की कप्तानी के अलावा वो इंडिया टीम की भी कप्तानी करता दिख सकता है। लेकिन बात की बात है वो, क्योंकि आज के महामुकाबले में क्या कुछ होता है वो हम आपको बताएंगे मैच हाईलाइट के बाद। लेकिन सबसे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आईपीएल से जुड़ी हर कवरेज, हर अपडेट, हर छोटी बड़ी जानकारी हम आप तक प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अब
क्या करती है राजस्थान रॉयल्स की टीम, क्योंकि उनके पास बड़े बदलाव मौजूद हैं। डेविड विलर जैसा खतरनाक बल्लेबाज हैं, लेकिन बिना बेन स्टोक्स की टीम मजबूत फिर भी दिख रही है। लेकिन जीत पाती है या नहीं, ये बात की बात है। पहला मुकाबला खेलते हुए भी राजस्थान रॉयल्स चेस करते वक्त हार गई थी, और दिल्ली कैपिटल्स का इतिहास ही गवाही देता है कि दो बारी जब राजस्थान का सामना करी थी आईपीएल 2020 में, तो दोनों ही बारी राजस्थान रॉयल्स चेस करते वक्त हारी थी। क्या ये मुकाबले में भी हार या जीत होगी? कॉमेंट खुले हैं दोस्तों, कॉमेंट करके जो बताएगा। नेक्स्ट एंड स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।